शहरे यारे इरम ताजदारे हरम शहरे यारे इरम ताजदारे हरम। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आप सब लोगों को सबसे पहले तो रमज़ान और रमज़ान का पहला रोज़ा बहुत बहुत मुबारक हो। तो हम सब ने भी आज पहला रोज़ा रखा है, पूरी की पूरी फैमिली ने आज पहला रोज़ा रखा है। और आज ना सुबह के टाइम में मौसम बहुत ही ज़बरदस्त था। वैसे तो हर जगह ही बारिश हो रही है, लेकिन हमारे यहाँ ना बारिश तो हुई है, लेकिन बारिश के अलावा ना सर्दी भी काफ़ी थी। सुबह शहरी में वैसे तो आप लोगों को पता उठने का दिल नहीं होता, जल्दी कौन उठता है, लेकिन शहरी थी इस वजह से सब जल्दी उठे हैं और सब ने जो है शहरी की रोज़ा रखा। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 1 बजे का, 1 बज रहा है दोपहर का, और ये है कि रोज़ा सबका बहुत अच्छा जा रहा है, सिर्फ इसी वजह से कि अल्लाह ताला ने रमज़ान में दिन बहुत अच्छे रखे हुए हैं। क्योंकि गर्मी होती है तो इंसान को रोज़ा भी लगता है और यानी काफ़ी मसाइल हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का बहुत बहुत शुक्र है कि दिन बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, जिस वजह से रोज़ा भी बहुत अच्छा गुजर रहा है। अल्लाह करे हमारा पूरा का पूरा रमज़ान में ना सारे रोज़े सबके अच्छे गुजरें और हमारे भी। तो दोपहर का टाइम हो रहा है आज, वैसे हमें कोई टेंशन नहीं है, हम ना रिलैक्स फील बैठे हैं। आम दिनों में तो सबको टेंशन होती है, ये पकाना है वो पकाना है, तो आज खाने पकाने से भी जान छुट्टी हुई है, सिर्फ शाम में इफ्तारी का बनाना पड़ेगा। तो इफ्तारी में अभी वैसे कुछ टाइम है, तो अभी फिलहाल मैं डिसाइड सोच रही थी, यानी क्योंकि पूरी फैमिली को रोज़ा है ना, तो इफ्तारी में भी कुछ स्पेशल होना चाहिए, पहले रोज़े की इफ्तारी स्पेशल होनी चाहिए। तो मैं सोची थी कि शाम में क्या बनाया जाए। तो पहले तो हमारे घर में पकोड़े तो आप लोगों को पता है वो तो हर इफ्तारी में ही होते हैं, आप लोगों ने हमारे पिछले काफ़ी ब्लॉग में देखे हैं, तो पकोड़े तो लाजमी होंगे। और इसके अलावा क्या बनाया जाए तो वो भी सोचना है, और के फिर सामान आप लोगों को पता है सामान मंगवाना है, क्योंकि टाइम से मंगवा लूँ फिर शाम में ना फिर सब अपने कामों में मसरूफ़ हो जाते हैं। और हमारे मेहमान भी आए हुए हैं, पप्पो जी आए हुए और पप्पो के बच्चे आए हुए हैं, तो उन लोगों का भी सबका रोज़ा है, तो उनकी भी इफ्तारी करवानी है, क्योंकि हमने तैयारी जल्दी ही शुरू करनी पड़ेगी। और साथ में आप लोग पता है छोटे छोटे जब बच्चे होते हैं ना, तो उनको रोज़ा हम बड़ों का है, बच्चों को तो नहीं है, तो उनको भी कुछ ना कुछ बना के खिलाना पड़ता है। ये कि अभी फ़िलहाल तो बच्चे खेल रहे हैं, तो मैं डिसाइड कर लेती हूँ जो भी बनाना है, और साथ साथ आप लोगों को बताती हूँ। आपको इस वक्त काफ़ी शोर महसूस हो रहा होगा, क्योंकि साथ वाले रूम में ना सबके सब पूरी की पूरी फैमिली बैठी है विद मेहमान, तो सबके सब बैठे हुए, फिरोज़ अभी अभी आए हैं, तो इनसे भी पूछते हैं इनका रोज़ा कैसा गुजर रहा है। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, सुनाओ तुम्हारा रोज़ा कैसा गुजर रहा है? मेरा तो भाई टैक्स जबरदस्त गुजर रहा है फिलहाल तो। हाँ गुजर रहा है, और 12 मेरे ख्याल से कोई 1:15 तो बज रही है, लेकिन हाँ। मुझे ऐसा कोई मसला नहीं है, मतलब ना मुझे भूख लगी है ना मुझे प्यास लगी है, अच्छा गुजर रहा है, नॉर्मल बैठा हूँ, फेट फाट बैठा हूँ, चले अच्छी बात है, अच्छा गुजर रहा है, दिन अच्छा है ना, इसीलिए आज दिन अच्छा है, बाहर का मौसम काफी गर्मी नहीं है इतनी, हाँ इतनी गर्मी भी नहीं है। और हानिया यहाँ पे देख रही है अपने कार्टून्स, ये देखे यहाँ पे आराम से, और मोहम्मद सुहान भी आ गया। इस वक्त दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, और अभी हमारा दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजर रहा था रोजे का, और रोजे और रमज़ान के इस मुबारक महीने में हमारे जो है मेहमान भी आ गए हैं, अल्लाह ताला ने अपनी रहमत हमारे घर में एक दफ़ा फिर से बरसाई, और हमारे ना मेहमान आए हैं काफ़ी दूर से, तो आप लोगों को जल्दी से उनसे मिलवाते हैं और दिखाते हैं कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं। देखना यहाँ पे हमने बिठाया हुआ है भाई और भाभी को। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक अल्लाह का शुक्र, और रोजा है? जी माशाल्लाह माशाल्लाह। और छोटा बेबी कैसा है? ठीक है, सलाम करो छोटा बेबी। अस्सलाम वालेकुम, सलाम कर दो, कोई नहीं छोटा बच्चा है। और सुनाए आप लोग कहाँ से आए? जी हम मुल्तान से आए हैं, काफी वैसे दूर से आए आप लोग ना, सफर किया है, और रोजे में आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे घर आए आप लोग मिलने जुलने। नहीं हमें बहुत खुशी हुई है, वैसे ना मैं चाहती हूँ हमारे घर ना मेहमान आते जाते रहे, वो तो सबको ही अच्छी लगते हैं, लेकिन आप लोग अचानक से आए ना, जो कि मैं ना सोच नहीं सकता कि रमजान में कोई मेहमान आएगा दूर से। पता करें उनके घर का, चले बहुत अच्छी बात है, अब यही हमारे व्यूवर्स का प्यार है जो हमसे मिलने आते हैं इतनी दूर, ढूंढ ही लिया है आखिर, ढूंढ ही लिया है। जी जी बिल्कुल, काफी देर हो गई है, हम लोगों ने आपस में काफी सारी बातचीत की, और बातचीत करने के बाद हमें पता चला है कि मेरी बड़ी सिस्टर का भी एक चैनल है जो कि इन्होंने हाल ही में शुरू किया है, और वैसे हर कोई अपनी मजबूरी से ही इस लाइन में आता है, लेकिन इनकी जो मजबूरी है ना वो भी बहुत ही मुश्किल हालात से गुजर रहे हैं, किराए पे मकान है हमारा, हाँ जी किराए पे मकान है, और माशाल्लाह से 4 इनके बच्चे हैं, और भाई की एक प्राइवेट जॉब है, जो कि आप लोगों को पता है आजकल की महंगाई में बहुत मुश्किल हो जाता है। आप
चैनल का नाम क्या था? चैनल का नाम है ज़ारा अजमल ब्लॉग्स, जो कि अपने ब्लॉग्स बनाती हैं, अपने बच्चों के साथ जो भी रूटीन होती है वो शेयर करती हैं, और जहाँ पे भी जाती हैं ना वो साथ में बनाती रहती हैं। ये बहुत आपका चैनल है जो कि ब्लॉग्स बनाती हैं, और इनके चैनल का जो लिंक है ना वो आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप लोगों से उम्मीद है कि आप लोग जाएँ और इनके ब्लॉग्स भी देखा करें, जो कि आप लोगों को बहुत ही अच्छे लगे। हमारे मेहमान अपने घर की तरफ रवाना हो रहे हैं। हमने बहुत कहा कि आप हमारे घर इफ्तारी करके जाएं, हमें कोई खिदमत का मौका नहीं दिया, उनका रोज़ा था, ऐसे चले गए। लेकिन उनकी भी पीछे टेंशन थी। हाँ जी, दूर से आए थे और फिर बच्चे अकेले थे उनके ना, छोटे छोटे बच्चे उनके भी हैं हमारे बच्चों की तरह। खैर, हम भी चलते हैं घर और इफ्तारी की तैयारी करनी है। अच्छा, तो आपको सामान लिख देती हूँ, वैसे भी 3 बज रहे हैं, तो आप ले आए। हाँ, फिर ये कि बनाते बनाते भी टाइम हो जाएगा ना। الله ربي والإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني أدنو إليه ساجدا بجبيني يقبل صلاتي وللصواب ديني يا ربي يا من هو أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي و इफ्तारी का टाइम होने वाला है। इफ्तारी के टाइम में ये कोई 10 से 15 मिनट बच गए हैं और मैंने सारी की सारी तैयारी कर ली। सिर्फ मैंने नहीं कि मेरी पूरी फैमिली ने हमारे साथ मिलजुल के करवाई है। जो भी इफ्तारी का सामान तैयार करना था वो सब कुछ रेडी हो चुका है। अब बस इंतज़ार हो रहा है अजान का। तो जैसे ही रोज़े खुलने का टाइम होता है तो सब के सब यहाँ पर आ जाएंगे और एक साथ बैठ के इफ्तारी करेंगे। तो सामान तो इफ्तारी के लिए जो जो चीज़ें तैयार की थी वो सब कुछ मैं यहाँ पर ले आई हूँ। मैंने कहा पहले ही रख ले, ना हो कि कोई ना कोई चीज़ें भूल जाएँ। तो अभी सिर्फ हमने शरबत बनाना है तो वो रह गया, उसके अलावा बाकी जो भी सामान था ना वो यहाँ पे आ चुका है। अम्मी जी तंदूर पे रोटी पका रही हैं तो वो भी तब तक पक जाएगी। तो मैं आप लोगों को अपना चीज़ें दिखा देती हूँ जो कि मैंने इफ्तारी में तैयार की और बड़ी मेहनत से की है। मैं काफ़ी देर से लगी हुई हूँ, चूल्हे पर बैठी हुई हूँ, कुछ कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ। बस ये है कि जितने प्यार से मैंने तैयार किए हैं उतने प्यारा अच्छा अच्छा जायका भी और सबको पसंद भी है। तो सबसे पहले मैंने बनाई है यहाँ पर चना चाट, जो कि काफ़ी दिनों से फरमाइश हो रही थी फिरोज़ की भी और मेरे ससुर जी की भी कि चना चाट हमें बना के खिलाओ। तो मैंने कहा आज चलें, रोज़ा भी है सबका, तो आज उनकी ख्वाहिश भी पूरी कर दी जाए। तो ये हो गई चना चाट। और इसके अलावा मैंने बनाए हैं पकोड़े। पकोड़े वैसे तो काफ़ी सारे बनाए थे लेकिन छोटे छोटे बच्चे जो कि हमारे घर में हैं तो उन्होंने ऊपर ऊपर से काफ़ी खा ली हैं, इसलिए आधे खा ली होगी। और इसके अलावा साथ में है खरबूजा, और खरबूजे को मैंने काट लिया। फ्रूट ज़्यादा हमने नहीं मंगवाया, असल में हमने कहा इतनी सारी चीज़ें तो ये ना हो कि रखे रखे सारी ख़राब हो जाए, ज़्यादा हो जाए, तो वही चीज़ें हों जो खाई जाए। और साथ में ये हमने बाज़ार से मंगवाए हैं रोल, और ये हैं समोसे, और एक वो समोसे, यानी दो तरह के समोसे हैं। तो ये हमने मंगवाए हैं बाज़ार से और रायता हमने घर में बनाया है। और सबसे मेन चीज़ खजूर है, जो कि इफ्तारी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ये भी रखनी है। अभी इफ्तारी में थोड़ा सा टाइम है तो मैं जल्दी जल्दी से शरबत बना लेती हूँ, फिर ये कि वो भी आ जाएगा और सारे घर के फैमिली मेम्बर्स भी आ जाएंगे तो एक साथ मिलके इफ्तारी करेंगे। और आज का दिन माशाल्लाह से बहुत अच्छा था, पहला रोज़ा मेरा बहुत अच्छा गुजरा है। और आप लोगों का कैसा गुजरा है आप लोगों ने मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताना है। अल्लाह का शुक्र है हमारा अच्छा गुजरा है, और उम्मीद करती हूँ कि आगे भी ऐसे ही अच्छे गुजरे। من هو مرشدي أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بكل حروف كتابك مهتدي ومقتدي بنبيك الأمين يا أيقنت أن إليك مرادي وموعدي فعشقت كل حروف كتابك مهتدي.